Yes. Good morning. Okay. Yes, welcome to India's largest learning platform, Unacademy. Let's crack Bihar exam. जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. Yes. और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन जो है जरूर प्रेस कीजिएगा. बेल आइकन प्रेस करने से आपको जो नोटिफिकेशन है जो भी लाइव क्लासेस की वो मिल जाएंगी. बिल्कुल. तो अगर हम अभी बात करें तो बिहार में जो मेन एग्जाम्स जो है आपको पता होगा, आपके जो है बीपीएससी का एग्जाम्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सामने एग्जाम है ये. तो बीपीएससी के एग्जाम्स का अगर हम पैटर्न का बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बीपीएससी एग्जाम में पैटर्न में आपको पता है प्री है, देन मेन्स है. तो प्री में अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस आपको 20+ मार्क्स का साइंस आ जाता है. तो इसी के लिए आपको एटलीस्ट साइंस, और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर भी बहुत इजीली आप कर सकते हो. बिल्कुल. तो इजीली स्कोर भी कर पाओगे और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ स्कोरिंग भी है और क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं. तो स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो आप साइंस को. आगे बढ़ते हैं. तो अगर आपको बिहार एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हो तो आप लोग बहुत आराम से यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे क्लासेस चलती हैं. तो वो क्लासेस के लिए आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 3 टाइप्स की क्लासेस चलती है. एक है आपका स्पेशल क्लास जो कि आपके ऐप पे चलता है, दूसरा है आपका यूट्यूब का क्लास जो आप अभी देख रहे हो, और थर्ड है आपका प्लस क्लास. ठीक है. इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, स्पेशल और यूट्यूब ये आपकी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं और जो प्लस है ये आपकी पेड क्लास होती है. पेड क्लास होने की वजह से ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास भी हो जाता है और सबसे ज़्यादा जो है अच्छा, जो अगर हम बात करें तो वो प्लस क्लास होता है. बेस्ट अगर बात किया जाए तो प्लस है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है तो वो समझ लीजिए. यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का, 50+ टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है. इसी के साथ अगर फ्री और प्लस को आप कंपेयर करते हो, यस गुड मॉर्निंग, इसी के साथ अगर आप फ्री और प्लस को कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन में आपको क्या मिल रहा है, देखिए प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ्स और नोट्स मिल रही हैं, और इसी के साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हो जा रहे हैं. अगर हम बात करें और भी बेनिफिट्स की सब्सक्रिप्शन पे तो और भी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, आप अपने फेवरेट एडुकेटर की लाइव क्लासेस कर पाओगे, बैच कोर्स कर पाओगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस कर पाओगे, देन पोल, कमेंट, क्विज. इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. यस गुड मॉर्निंग. अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. एंड इसी के साथ अगर हम देखें तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हो. जब आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप वापस जो है वो क्लास जो है रिपीट कर सकते हो, यानी वापस देख सकते हो आप वीडियोस को डाउनलोड करके. पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको हर वीडियो की प्लस क्लासेस में. यस. एंड टेस्ट सीरीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद अगर आप उसका टेस्ट नहीं देते हो तो वो प्रिपरेशन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया है. अब अगर हम बात करें आंसर राइटिंग क्या है, तो मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में जो है आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, मेंस में आपके सब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चंस. मीन्स आपको आंसर्स जो है उसको लिखना पड़ेगा. बिल्कुल. तो वो किस तरीके से लिखा जाए, वो आंसर राइटिंग जो है ये भी आपको सिखाया जाता है. बिल्कुल. तो आगे देख लेते हैं. तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट, मतलब ये सारा कुछ आपको मिल जा रहा है. तो बहुत सारे बैच कोर्सेज जो ऑलरेडी रनिंग बैचेस है, बहुत सारे अपकमिंग बैचेस है, बिल्कुल क्रैश कोर्सेज चल रही हैं, तो आप बिल्कुल इन सबको अटेंड कर पाओगे अगर आप. बिल्कुल. ये हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस आपको मिलेंगी सब्सक्रिप्शन लेने पे. अब हम आपको सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस सिंपल सा बता देते हैं, क्योंकि अभी देखिए ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जितना हो सके अगर ट्राई करो तो 1 ईयर का, एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा. वो हम सब बता देते हैं प्राइस क्या है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे करना है. आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. आप जिस भी कैटेगरी में, अगर आप बीपीएससी की कैटेगरी में लेना चाहते हो बीपीएससी सिलेक्ट कीजिए, आप जो भी कैटेगरी लेना चाहते हो अनअकैडमी में कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो. उसके बाद आप जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे. गेट सब्सक्रिप्शन के बाद अगर आप देख रहे हो तो यह डिफरेंट मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है. बिल्कुल. तो ये मंथ्स आप देख रहे हो, प्राइस चार्ट भी आपको दिख रहा होगा, 1 month 1600 ये. बिल्कुल. तो ये आप देख पा रहे हो प्राइस चार्ट. यस. तो 1 month 3 month 6 month 12 months 24 months. अब यहाँ पे अगर आप ये रेफरल कोड में, अगर आप ये शिप्रा SHIPRA अगर इस कोड को यूज कर देते हो तो आपको जो है 10% का आप देख पा रहे हो ये ऑफ मिल जा रहा है। तो यानी कि जो 1600 था वो 1440 हो जा रहा है, 4000 आपका 3600 हो जाता है। इस तरह से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा SHIPRA। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइव क्लासेस आप कैसे अटेंड करोगे, तो इस तरह से बैच का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, कोर्स सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बैच को चूज करना है, ठीक है। तो आप कोई भी बैच, ऐसा नहीं कि आप एक ही बैच कर पाओगे, तो इस तरह से आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। देन अगर आप देखोगे तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। इस तरह से आफ्टर क्लास जो है आप देख पा रहे हो, ये व्यू पीडीएफ है, वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये आपके लाइव पोल्स होते हैं जिसको आप अटेंड कर पाओगे, बिल्कुल केबीसी फॉर्मेट में चलता है आपका। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली क्विज आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ ही अगर हम अपने बारे में बताएं तो मेरा नाम शिप्रा है, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी एंड साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट हम देखते हैं, ठीक है। मोर देन 6 years एक्सपीरियंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोड जरूर याद रखिएगा, ये वाला SHIPRA। तो क्लास की टाइमिंग 9 AM, अभी फिलहाल 9 AM साइंस रखिए, और इवनिंग में 6 PM पे हम लोग जो है मिक्स क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो आज आपका स्पेशल होगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, तो बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। यस, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अगर आपको आंसर्स आते हैं क्वेश्चन के तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो सुनिएगा क्या आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूटलेस प्लांट इज। तो अगर हम आपसे बात करें कि रूटलेस प्लांट की बात करें तो बताइएगा, इसमें से पहला है लेमना, देन बनाना, देन जिंजर एंड लेमन। तो इनमें से अगर हम बात करें तो बताइए रूटलेस प्लांट अगर हम बात करें। चलिए थोड़ा सा टाइम आपको दे देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बोल पाओगे। तो जड़ रहित पौधा, अगर हिंदी में बात करें तो विदाउट रूट, है ना। तो विदाउट रूट अगर हम बात करें तो वो क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो विदाउट रूट, रूट के बिना जो होता है पौधा वो होता है आपका जिंजर। जिंजर में बाकी आपको पता होगा कि इन सब में रूट्स होते हैं, लेकिन जो जिंजर होती है, जिंजर क्या है, जिंजर राइजोम है ना, तो जिंजर जो है ये रूटलेस प्लांट होता है। यस, तो जिंजर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ ए फर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ ए फर्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ अ फर्न। तो फर्न के स्पोरेंजिया जो होती है, उसकी पत्ती जो होती है, उसको क्या बोला जाता है। अगर आपने फर्न का डायग्राम देखा होगा, चलिए हम आपको डायग्राम इसका बता देते हैं। अगर आपने फर्न का डायग्राम जो है इस तरह का, ये आपका ऊपर जो है कैप्सूल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है। अगर हम बात करें फर्न का, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये जो फर्न है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ अ फर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पोरोफिल, ठीक है। तो यस, बिल्कुल याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, बिल्कुल। तो स्पोरोफिल जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, फंगी दैट ग्रो ऑन बार्क आर सेट। जो बार्क जो होते हैं, जो छाल जो होती है, अगर हम बात करें वो जो फंगी होते हैं, जो छाल, पेड़ों की छालों पे उगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जाइलोफिलस बोलते हैं, सैक्सिलस बोलते हैं, कॉप्रोफिलस बोलते हैं, कॉर्टिकोलस बोलते हैं। तो ये आपको बताना है कि इसको हम फंगी को क्या बोलते हैं। फंगी जो कि बार्क, जो ट्री जो होता है उसके बार्क पे जो उगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। The fungi that grow on bark are said to तो इसका अगर हम आंसर का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टिकुलस। एक्चुअली होता क्या, देखिए कॉर्टिकुलस, अगर जब भी याद रखिएगा कॉर्टी, ठीक है। अगर हम लाइकेन का बात करें, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है फंगी और एल्गी, ठीक है। यस, फंगी और एल्गी जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है आपका ठीक है, लाइकन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो फंगी है जो कि बार्क पे घूमते हैं, कॉटी, याद रखिएगा। अगर लाइकन पूछे कॉर्टिकोलस लाइकन, तो फंगी का बात किया जा रहा है तो ये होगा कॉर्टिकोलस फंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। पिंक मोल्ड इज द कॉमन नेम फॉर, अच्छा पिंक मोल्ड अगर हम बात करें तो पिंक मोल्ड जो है ये किसको बोला जाता है? अगर हम बात करें तो पिंक मोल्ड, यस गुड मॉर्निंग विकी। अगर हम बात करें पिंक मोल्ड तो इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? अगर हम बात करें पिंक मोल्ड तो पिंक मोल्ड जो होता है वो कॉमन नेम होता है किसके लिए? राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस जो होता है इसका कॉमन नेम जो है ये है आपका पिंक मोल्ड, याद रखिएगा। ठीक है, यस पिंक मोल्ड जो है ये सारे जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना ये सारे के सारे PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपको देखिएगा एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन कन्फर्म कॉमन मिलेंगे और इसी को हम अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वो डाइवर्सिटी पे कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर जो है वो डाइवर्सिटी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, कैरोलॉइड रूट ऑफ साइकस हेल्प्स इन, जो साइकस होते हैं उसका जो रूट होता है कैरोलॉइड रूट जो होता है ये किस में मदद करता है ये आपको बताना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंकरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो अगर हम बात करें तो ए बी सी डी इनमें से क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं कि कौन इसका आंसर दे पाता है, फास्ट करवाए। ओके चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्लास हम टाइमर फिक्स कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा, बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? मेनली आप देखोगे लेग्यूमिनस प्लांट जिन्हें बोलते हैं, मतलब जैसे कि आपका दाल वाला जो पेड़ होता है ना, उसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा लगता है, नाइट्रोजन ज्यादा जरूरत होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होती है ना। तो यहाँ पे जो रूट होता है कैरोलॉइड रूट जो होते हैं साइकस के, ये करते क्या है? ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि रूट का तो काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड सेकेंड एक और काम करता है वो क्या करता है? वो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरियल सेल, अगर हम बात करें कि एक बैक्टीरियल सेल में यानी बैक्टीरिया की कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, जो नंबर होता है वो कितना होता है? 1, 2, बहुत सारे या एक भी नहीं, 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका अगर आंसर हो जाएगा वो होगा 0। ठीक है, क्यों 0? देखिए बैक्टीरियल सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अपना आपको याद होगा ना शेप, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यस, जहां पे क्या होता है हमारे, ये हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिया, मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और क्या रिलीज करता है? वो एनर्जी रिलीज करता है। तो यही प्रोसेस जो है ये होता है रेस्पिरेशन, और ये एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और इसी के साथ वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्चुअली इसी का होता है। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो यही रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरियल सेल में वो होती है 0, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द बुक जेनेरा प्लांटेरियम, ये अगर हम बात करें कि जेनेरा प्लांटेरियम जो बुक है ये किसने लिखी है? बुक जेनेरा प्लांटेरियम, ये हम बहुत बार आपको करवा चुके हैं, तो इसको बताइए जेनेरा प्लांटेरियम ये बुक जो है ये किसने लिखी है? जेनेरा प्लांटेरियम, अगर हम बात करें जेनेरा प्लांटेरियम ये बुक जो है किसने लिखी है? बहुत बार हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं जेनेरा प्लांटेरियम, ये बुक जो है आपका आ जाए लिनेस। ठीक है, बिल्कुल ये बुक जो है किसने लिखी है? तो बात याद रखिएगा लिनेस, ये हम बहुत बार बता चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड, इसमें से किस, व्हाइट एंट यानी सफेद चींटी, कॉकरोच, रेड एंट एंड मॉस्किटो यानी मच्छर। तो बताइए फॉर्मिक एसिड जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है अगर हम बात करें तो अगर हम देखें, आपने देखा रेड एंट, आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेड एंट, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल रेड एंट, यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेड एंट जो आपका आंसर, अगर आपने देखा होगा लाल चींटी के काटने पे आप देखते होंगे ना कि कैसा अजीब सूज जाता है, वो जो रीजन होता है ना वो किसकी वजह से होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। जब लाल चींटी काटती है तो उस टाइम वो हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है, तो वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, बिल्कुल। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा रेड एंट। इस तरह के एसिड को लेकर के हमने आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड, which bacterial strain developed from natural isolates by genetic manipulations can be used for treating oil spills, यानी अनुवांशिक जोड़ तोड़ द्वारा प्राकृतिक आइसोलेट्स से विकसित होने वाला कौन सा जीवाणु तनाव, तेल, फाल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपको बताना, एग्रोबैक्टीरियम है, क्लॉस्ट्रीडियम है, नाइट्रोसोमोनस है या स्यूडोमोनस है, तो ये आपको बताना है। तो कुछ कुछ टर्म्स आपको एकदम लग रहे होंगे कि कैसे कैसे टर्म्स है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है क्लास 9-10 लेवल की क्वेश्चंस है और 9-10 हमने पढ़ा है, तो उस हिसाब से ये पूरा का पूरा आपका बायो घुस के नहीं है क्वेश्चन, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चंस है जो आपको बहुत बार जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, चाहे आप एसएससी देखिए, चाहे आप एनटीपीसी देखिए, चाहे आप बीपीएससी देखिए, ये सारे एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम इस पर बात करें तो बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप फ्रॉम नेचुरल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्यूडोमोनस यानी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्यूडोमोनस पुटिडा, इसका पूरा क्या होता है नाम, स्यूडोमोनस पुटिडा, ये आपका साइंटिफिक नेम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम होता है, तो इसका याद रखिएगा, इसमें जो होता है आपका, इसका जो स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेन को जो है यहाँ पे यूज किया जाता है ऑक्सीडाइज, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस अल्कलीन प्राइमरी विद मेम्ब्रेन बाउंड यस एंजाइम कॉल्ड एल्केन बी। इसमें जो एंजाइम होता है वो है एल्केन बी, याद रखिएगा एल्केन बी जो है वो एंजाइम जो है, यस एल्केन बी। थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए नेक्स्ट क्लास में ये सब ठीक हो जाएगा। तो याद रखिए स्यूडोमोनस जो है ये कौन सा है, क्या, एल्केन बी, यस बिल्कुल, इससे पुटिडा, इसका पूरा नाम याद रखिएगा स्यूडोमोनस पुटिडा एल्केन बी जो है, ये इसका एंजाइम होता है जो हेल्प करता है इसमें, बिल्कुल आइसोलेशन में। वायरस क्या है हमको ये बताइएगा, तो वायरस अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस है, क्या है, सेल्यूलर है, असेल्यूलर है, मतलब कोशिका, इसमें कोशिका होती है, असेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है और यानी एक कोशिकीय है या मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय है। तो वायरसेस का अगर हम बात करें तो वायरस है क्या, तो वायरस का अगर हम बात करें तो वायरस क्या होता है, वायरस आपका असेल्यूलर है, क्योंकि आपको पता है, और वायरस में एक चीज होता है कि वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों काम करता है। जब वायरस जो होता है किसी लिविंग बॉडी में एंटर कर जाता है, किसी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो लिविंग हो जाता है यानी, है ना, और जब वो बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग की तरह काम करता है। तो इसलिए वायरस का जो केस हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे वायरस जो है वो असेल्यूलर होता है और ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, यानी वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज है वायरस का, नहीं जैसे आप एड्स वायरस है ना, कोरोना वायरस है, तो इन सब के लिए इसी वजह से क्या होता है कि इन लोग का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत प्रॉब्लम करता है। एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला, क्यों, क्योंकि उसकी भी वायरस जो होती है ना अपना स्ट्रक्चर जो होती है बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है। सेम केस हुआ है कोरोना के साथ भी। तो ये स्ट्रक्चर्स जो आप अब न्यूज में सुनते होंगे कि वायरस का नया स्ट्रेन आया, ये चीज तो ये वायरस में ही ये केस होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे जो वायरस है वो क्या कहलाते हैं, वायरस अकोशिकीय कहलाते हैं, मतलब असेल्यूलर, ठीक है या यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइनी मरीन एनिमल्स विच कंस्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन्स आर कॉल्ड, तो टाइनी मरीन एनिमल्स जो है जो लाइमस्टोन स्केलेटन्स लेते हैं, यानी छोटे समुद्री जानवर जो चूना पत्थर के कंकाल का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फोरामिनिफेरा, कोरल रीफ्स, डायटम्स एंड क्लामिटोमोनस। तो अगर हम बात करें तो वो टाइनी मरीन एनिमल्स जो है, जिसमें लाइमस्टोन स्केलेटन जो फॉर्म करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, निर्माण करते हैं, वो क्या है? अगर इसमें हम बात करें तो क्या होगा आंसर बताइए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा कोरल रीफ। अब कोरल रीफ जो है आपने ये पढ़ा होगा, ये कहाँ पे, ये लक्षद्वीप वगैरह जो होती है ना, इन सब जगह पे आपने देखा होगा कोरल रीफ्स होती हैं। बिल्कुल, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कोरल रीफ्स जो है, ये आपका आंसर। ये आपको मरीन एनिमल्स जो होती है, जैसे कोरल रीफ्स जो होती है, यहाँ पे ये मरीन एनिमल्स होती है जो कि क्या करती है, ये लाइमस्टोन स्केलेटन्स बनाती है, मतलब चूना पत्थर का कंकाल जो है ये बनाती है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड्स आर, अगर हम बात करें तो विंग्स जो होती है, जो पंख होते हैं बर्ड्स के, पक्षियों के, वो होते क्या है? इंटिग्यूमेंटरी आउटग्रोथ होती है, मॉडिफाइड फोर लिम्स होती है, मॉडिफाइड हाइंड लिम्स होती है, या न्यू स्ट्रक्चर्स होती है। तो जो पंख होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या है, ये आपको बताना होगा। तो अगर हम बात करें तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स क्या होती है? फोर लिम्स मतलब हाथ, हाइंड लिम्स मतलब पैर। तो अगर हम पंख की बात करें तो पक्षी बर्ड्स में जो विंग्स होती हैं वो क्या होती है? वो होती है उनकी फोर लिम्स, यानी कि उनका जो जैसे हम लोग के हाथ होते हैं, तो उन लोग का जो हाथ होता है, जो फोर लिम्स होती हैं, वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, वो किस में बदलती है, वो बदल जाती है उनकी पंख में, यानी विंग्स में। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो विंग्स है वो क्या है, वो मॉडिफाइड फोर लिम्स है। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ, अगर हम बात करें पांडा जो होता है वो इनमें से किस परिवार से बिलोंग करता है? वेल के, बियर के, कंगारू के, या पॉर्क्यूपाइन के। ठीक है, हिंदी में भी हमने दिया क्वेश्चन, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप इजीली जो भी है आप बोल सकते हो आंसर। बिल्कुल, तो यस, हम कमेंट्स थोड़ा सा लेट से देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पांडा जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये आंसर सबको पता होगा। ऑप्शन से बहुत आराम से बोला, यस बिल्कुल सही अभिषेक। आंसर जो हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट, बियर। यहाँ पे कुछ सोचने का ही चीज नहीं था, पांडा जो है वो बियर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक्चुअली क्वेश्चन हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसका बताइए, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच क्रीप एंड क्रॉल आर कॉल्ड, यानी कि वो जानवर जो रेंग सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, मैमल्स कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है, मोलस्क कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? वर्टिब्रेट्स जो कि क्रॉल कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लासेस कौन सी क्लास में बिलोंग करता है? ये तो इजी है। यस, बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स से तो आपके जैसे स्नेक हुए, लिजर्ड्स हुए, मतलब छिपकली हुई, सांप हुए, ये सब क्या है? रिप्टाइल्स है ना। तो रिप्टाइल्स जो होती है ये क्या, ये रेंगती है ना, तो इसलिए आपका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही, रिप्टाइल्स। तो यस, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये वो वर्टिब्रेट एनिमल्स है जो कि रेंग सकते हैं। तो रेप्टिलियंस जो होते हैं, रिप्टाइल्स जो होते हैं, बिल्कुल सही, वो रेंग सकते हैं। लार्वा ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। कैटरपिलर कहलाता है, निम्फ कहलाता है, मैगट कहलाता है, या ग्रब कहलाता है? तो कॉकरोच का लार्वा जो है वो क्या कहलाता है? कॉकरोच का लार्वा, नहीं पता। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉकरोच का जो लार्वा है वो कहलाता है आपका निम्फ। ठीक है, तो याद रखिएगा निम्फ। ठीक, कॉकरोच का लार्वा निम्फ। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कॉकरोच का बेबी अगर बोला जाए तो वो भी क्या होता है, निम्फ बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा निम्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, बिल्कुल। चलिए, निम्फ याद रखिएगा इसका। एन आंट कैन सी द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एक चींटी जो होती है किसकी वजह से चीजों को देख सकती है, ये आपको बताना है। आइज ओवर द हेड, मतलब सर के ऊपर जो आंखें होती है उससे। उनकी आंखें वेल डेवलप्ड आंखें होती है यानी विकसित आंखें होती है, कंपाउंड आइज होती है या सिंपल आइज होती है, किसके थ्रू जो है एंट जो होती है, जो चींटियां होती है वो देख सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बताइए एन एंट कैन सी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो एक चींटी जो है किसके प्रेजेंस के कारण जो है देख सकती है, ये आपको बताना है। तो अगर हम एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नो यहाँ पे आंसर आइज ओवर द हेड नहीं होता है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चींटियों में जो है कंपाउंड आइज होती हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये बना होता है बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं ओमिटिडिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओमिटिडिया, और ये हर एक ओमिटिडिया जो है ये सेपरेट आइज का काम करता है। तो बिल्कुल नो आइज ओवर हेड नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंपाउंड आइज, ठीक है। चींटिया वगैरह इन सब में याद रखिएगा आइज ओवर हेड नहीं बोलते उसको, कंपाउंड आइज बोलते हैं। इनके पास जो आंखें होती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड आइज। यस, तो याद रखिएगा कंपाउंड आइज जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे कि क्वेश्चंस को बस याद रखिएगा क्योंकि चीजें आप पढ़े हो, बस आप रिवीजन कर रहे हो, बस यही समझो, ठीक है। व्हाट इज अ स्पंज, अगर हम आपसे बात करें कि स्पंज जो है वो है क्या, फॉसिल है यानी जीवाश्म है, प्लांट है, एनिमल है या फंगस है। तो अगर हम बात करें स्पंज की तो हमको ये बताइएगा कि स्पंज जो है वो है क्या। तो स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज एनिमल्स जो होती हैं जो ग्रुप क्लास बिलोंग करती हैं, तो ये जो है ये एक तरह का एनिमल होता है पॉरीफेरा। अगर हम बात करें इसका जो किंगडम होता है वो क्या होता है, क्लास जो होता है वो क्या होता है, पॉरीफेरा, ठीक है। ये लोग इस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पॉरीफेरा जो है इससे बिलोंग करते हैं, और ये क्या होता है आपका, याद रखिएगा एक तरह का एनिमल होता है, ठीक है। यस, ये जो है एक तरह का एनिमल होता है, नो नॉट फंगस, ठीक, एनिमल याद रखिएगा, फंगस अलग ग्रुप हो गया पूरा का पूरा, ये एनिमेलिया ग्रुप से है, ठीक है। इसका जो ग्रुप है वो क्या है, वो एनिमेलिया है, तो ये एनिमल है एक तरह का। इस तरह से क्वेश्चंस जो होते हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। आगे चलते हैं, नॉर्मली एनिमल्स कैन चेंज द प्लेस बट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट चेंज द प्लेस। आमतौर पर जो है जानवर अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन इनमें से वो कौन सा जानवर है जो अपनी जगह नहीं बदल सकता है। स्टारफिश है, स्पंज है, हाइड्रा है या लीच है, तो ये बताइए। तो नॉर्मली जो होती है एनिमल्स जो अपनी जगह बदल सकती हैं, तो कौन है, स्पंज, नो, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये अपना प्लेस नहीं बदलते सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में नॉर्मली होता क्या, पहले ही समझ लेते हैं। तो हाइड्रा जो होता है ये एक स्मॉल सिंपल सा एनिमल है जो कि आपका याद रखिएगा। यस, तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रा जो होता है इसका नॉर्मली क्या होता है, इसमें नॉर्मली जो है आपका एक तरह से बोला जाए तो निडेरिया, इसका जो क्लास होता है वो निडेरिया होता है। निडेरिया मतलब CNI, ठीक है, निडेरिया जो इसका जो क्लास होता है हाइड्रा का ये निडेरिया होता है, ये हाइड्रा जो होता है। अच्छा, इनका अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, अगर हाइड्रा का रिप्रोडक्शन बात करें तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो कौन सा टाइप होता है हाइड्रा में, हाइड्रा में आपको पता होगा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आपका कैसा, किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आपका बडिंग। बडिंग क्या होता है, जैसे हाइड्रा का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का आपने देखा होगा, ये तो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये हाइड्रा। बडिंग में क्या होता है, इसका जो ये बॉडी आप देख रहे हो यहाँ से एक तरह का बड उगता है, ठीक है, और ये बड क्या होता है धीरे 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 बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, बड़ा होने के बाद ये अपने पेरेंट का जो बॉडी है उससे अलग हो जाता है। तो इस तरह से इनमें जो होता है ये एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है, तो ये एक नया हाइड्रा बन गया। इस तरह से जो होता है ये बडिंग के थ्रू जो होता है ये आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये होगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो होता है ये मूव नहीं कर सकते हैं। जबकि स्पंजेस जो होते हैं वो आपका दिखेगा, आप बहुत लोग स्पंज बोल रहे हैं बट स्पंज का आंसर, स्पंज आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ सन फीचर विच सेट डज नॉट एक्सक्लूसिवली कैरेक्टराइज मैमल, इनमें से जो कैरेक्टर है कौन सा कैरेक्टर मैमल का नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला बोलता है प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, हम लोग भी मैमल्स की कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, स्वेट ग्लैंड हेयर ऑन स्किन एंड डायफियोडोंट्स ये बोला। दैन प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड डायफ्राम, एब्सेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड हेयर ऑन स्किन एंड डायफ्राम। तो ये ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो इसका आंसर। तो बताइए, मैमल्स, हम लोग भी मैमल्स की कैटेगरी में है, बस ये समझ लो और उसके अकॉर्डिंग बताइए कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर हमारा नहीं है, बस आपको ये करना है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है हमारे पास, डायफ्राम भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे लिखा है एब्सेंस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, अगर हम बात करें ट्रू फिश की तो वो कौन है, सिल्वर फिश है, स्टार फिश है, डॉग फिश है या शेल फिश है। ठीक है, तो शेल वाली जो फिश होती है वो है, तो ये आपको बतानी है कि इनमें से कौन जो है इज अ ट्रू फिश, इनमें से कौन जो है वो एक ट्रू फिश है, ये हमको बताइए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ट्रू फिश होगी वो होती है डॉग फिश। ठीक है, जो डॉग फिश है, यस बिल्कुल, जो डॉग फिश है यही ट्रू फिश होती है। और आपको पता है डॉग फिश का जो लाइफ स्पान होता है, यानी कि कितना जीती है, अगर हम वो बात करें तो लाइफ स्पान जो है वो 25 to 100 ईयर्स होती है इनकी, तो डॉग फिश। ठीक है, यस, जो ट्रू फिश जिसको माना जाता है वो आपका डॉग फिश होता है। बिल्कुल, ये लगभग ग्रे कलर का होता है डॉग फिश। यस, तो आंसर हो जाएगा आपका डॉग फिश। ठीक है, और ये जो है टेम्परेचर, ये जो नॉर्मली जिस टेम्परेचर में रहती है ये 7 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस जो है इस टेम्परेचर पे ये रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, सबसे बड़ा अगर इनवर्टिब्रेट का बात किया जाए तो वो क्या है, स्पंज है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोड है, काइनोडर्माटा है। तो ये यहाँ एक काइनोडर्म है, तो ये हमको बताइएगा कि सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट अगर हम बात करें तो वो क्या है। मतलब सबसे बड़ा जो इनवर्टिब्रेट होता है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब तो क्लासेस का नाम है, ये सारी तो क्लासेस है ना, तो आपको ये बताना है कि वो कौन है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये भी आप बता सकते हो। तो अगर हम बात करें तो जायंट क्रैंच स्क्विड, ठीक है, जायंट क्रैंच स्क्विड जो होता है ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है। अगर हम बात करें और ये आपका अंटार्कटिका में मिलता है और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मोलस्क का। तो मोलस्क आप, और सबसे बड़ा अगर सबसे ज्यादा एनिमल्स किस कैटेगरी में तो वो आर्थ्रोपोड हो जाता है। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आंसर आपका मोलस्क हो जाएगा। मोलस्क में मेनली आते क्या है, जो शेल वाले जो होते हैं ना, एप्पल जैसे स्नेल वगैरह हो गया है ना, एप्पल स्नेल हो गया, तो ये सब मोलस्क की कैटेगरी में आते हैं। जो शंख वाले सीधा बोला जाए तो जिनमें शेल्स होती हैं तो वो जो होते हैं वो सारे मोलस्क की कैटेगरी से आते हैं। और जो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है वो अंटार्कटिका में मिलता है, वो भी मोलस्क की ही कैटेगरी से बिलोंग करता है। बिल्कुल, एन इनवर्टिब्रेट डज नॉट हैव, एक इनवर्टिब्रेट में क्या नहीं होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बॉडी कैविटी, हेमोसील, गिल्स। तो ये आपको बताना है कि एक इनवर्टिब्रेट जो है उसमें क्या नहीं होता है। इनवर्टिब्रेट में क्या नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में जो नहीं होता है वो है नोटोकॉड, ठीक है, यस नोटोकॉड आंसर हो जाएगा आपका नोटोकॉड। नोटोकॉड वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में नोटोकॉड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस लैक्स टंग, इनमें से कौन सा एम्फीबियन है जिसके पास जीभ यानी टंग नहीं होता है? स्फेनोडॉन, सालमेंडर, इक्थियोफिल्स एंड नेक्यूरस। अब ये अजीब अजीब नाम है तो आपको बायो में ऐसे ही नाम मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा एम्फीबियन है। अब एम्फीबियंस आपको पता होगा, एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, ठीक है, टॉर्टोइस। तो ये आप याद रखिएगा। तो बताइए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है इक्थियोफिस, ठीक है। इक्थियोफिस का अगर हम बात करें तो ये होता क्या एक्चुअली में, जो इक्थियोफिस होता है ये नॉर्मली आपका जो होता है ये लिम्बलेस यानी कि इसके पैर नहीं होते हैं एम्फीबियन के। इस एम्फीबियन जो होता है इक्थियोफिस जो होता है इसके लिम्बलेस होता है यानी कि इसके पैर नहीं होते हैं और ये लगभग गीली मिट्टियां जो होती है वहां पे ये रहता है, जहाँ पे गीली की मिट्टियां होती है वहां पे रहता है, ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट, तो आंसर याद रखिए इक्थियोफिस, इसकी टंग नहीं होती। कॉमनेस्ट मैमल्स, सबसे कॉमन जो मैमल है वो कौन है? एलिफेंट, लायन, मेन एंड पैंथर। तो सबसे जो कॉमन मैमल का अगर हम बात करें तो वो मैमल कौन सा है? तो अगर हम सबसे कॉमन का बात करें तो ऑब्वियसली होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कौन है? हम लोग, है ना, जो ह्यूमंस है, तो होमोसेपियंस सेपियंस बोला जाता है। तो होमोसेपियंस याद रखिए सबसे कॉमन जो मैमल है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो ह्यूमंस का ही है। Which is the only mammal that can fly? Only mammal जो कि उड़ सकती है, ठीक है, इन एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है वो कौन है? वेल, चमगादड़, मुर्गी या छिपकली, यानी वेल, बैट, हेन, लिजर्ड। तो बताइए कौन है? तो आपको पता होगा बैट, यस, चमगादड़, यस। बैट जो है ये जो है ओनली मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है यानी उड़ सकता है, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बैट। Which of the following is मोनोजेनेटिक पैरासाइट? इनमें से कौन सा मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है? मोनो का मतलब सिंगल, जेनेटिक मतलब जीन, ठीक है। तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट कौन सा है? परजीवी जिसे बोलते हैं। पैरासाइट्स क्या होती है? पैरासाइट जो होती है जो दूसरों पे डिपेंड करती है अपने फूड के लिए, तो वो पैरासाइट होती है। अगर हम बात करें जुए तो वो क्या है? पैरासाइट है, ठीक है। तो वैसे ही आपको बताना है कि मोनोजेनेटिक पैरासाइट इनमें से क्या है? हाइड्रा, फैसियोला, एस्करीज और अर्थवॉर्म। तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, यस, आंसर होगा एस्करीज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एस्करीज जो है मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स होती हैं, यस तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब पैरासाइट हमने आपको बताई थी जो दूसरों पे डिपेंड रहती हैं अपने फूड के लिए, तो वो होती है पैरासाइट्स, होती है मोनोजेनेटिक यानी सिंगल जीन, है ना। तो एस्करीज जो है ये आपकी मोनोजेनेटिक पैरासाइट है जो, ठीक है। चले आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड, प्रोसेस जिस उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया जो है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स के उड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? यस तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस ब्रेलिंग, ठीक है, यस इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रेलिंग। ब्रेलिंग में एक्चुअली होता क्या है, देखिए तो ब्रेलिंग में होता क्या है, ब्रेलिंग में जो होता है आपने देखा होगा पोल्ट्री वगैरह में जो बर्ड्स ना उड़े, इसके लिए एक बैंड जो होता है वो बैंड लगाया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेलिंग। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेलिंग। एक और चीज थोड़ा सा बताना था, मोनोजेनेटिक पैरासाइट का एक मीनिंग जो है वो हम थोड़ा सा बोलना भूल गए। तो इसका मीनिंग होता है कि वो पैरासाइट जो सिर्फ एक ही होस्ट में रहता है, यानी सिंगल बॉडी में रहता है, वो किसी और बॉडी में नहीं जाता है। ठीक है, एक सिंगल बॉडी में ही अपना पूरा का पूरा जो लाइफ स्पैन है वो करता है, तो वही है एस्करिस। ठीक है, तो मोनोजेनेटिक, तो इसका आंसर ब्रेलिंग हो जाएगा। ब्रेलिंग क्या होता है? ब्रेलिंग जो है आपका, याद रखिएगा, ब्रेलिंग में एक बैंड की तरह जो होता है वो बांध दिया जाता है उनकी विंग्स के साथ, जिससे जो बर्ड्स है वो उड़ ना पाए। ये मेनली आपको पोल्ट्री वगैरह में दिखता होगा। ठीक है, ओके। टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी के जो दांत होते हैं इज एनॉर्मसली एनलार्ज्ड। वो होता क्या एक्चुअली में, अगर हम बात करें हाथी की जो दांत होती हैं, जो वो एक्चुअली में होता है, अपर इंसिजर होता है, अपर कैनाइन होता है, लोअर कैनाइन होता है, या लोअर इंसिजर होता है। जो दांत आप देखते हो हाथी के, वो एक्चुअली में क्या होता है? तो अगर हम इसका बात करें तो ये एक्चुअली में होता क्या, ये होता है अपर इंसिजर। ठीक है, जो ऊपर का इंसिजर होता है वो होता है आपका, हम लोग के भी दांत में होता है केनाइन, इंसिजर, मोलर, प्रीमोलर। तो उनका जो अपर इंसिजर होता है, अगर हम बात करें ऊपर के दांत की, तो वही दांत जो है हाथी के जो होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, तो जो आप लोग देखते हो, है ना। तो यस, तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि हाथी के जो दांत होते हैं वो एक्चुअली में होते कौन से टाइप के दांत है? इंसिजर, केनाइन। तो यहाँ पे याद रखिए अपर इंसिजर, ऊपर वाले दांत का जो इंसिजर वाला पार्ट होता है वो होता है। ठीक है, टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ, सबसे लंबा और मोटा जो घास है, अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? तो ये आपको अगर नाम से देखोगे तो वो आता है बैम्बू, यानी बांस। ठीक है, बांस को सबसे लंबा और सबसे मोटा जो है घास बोला जाता है, ये उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है क्योंकि। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा बांस। ठीक है, बैम्बू। द वेन्स सीन इन लीव्स सर्व द फंक्शन ऑफ, जो लीव्स में जो वेन्स दिखती है, वेन्स क्या होती है? तो अगर हम बात करें तो ये जो आप देख पाते हैं ना ये चीजें, तो ये जो वेन्स होती हैं ये एक्चुअली में क्या फंक्शन करते हैं? तो कहीं पे आपको ये वेन्स जो है पैरेलल दिखती होंगी, जैसे कि किसी किसी में आपको बनाना लीव्स है ना, तो कहीं कहीं पे ये पैरेलल होती है इस तरह से, एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन में आपकी चलती है, कहीं कहीं पे ये क्रॉसिंग में होती है। तो ये आपको पता है जो ये वेन्स होती है एक्चुअली में करती क्या काम है? फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ट्रांसपिरेशन का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, या कंडक्शन का काम करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये काम करते हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो वेन्स होती है वो एक्चुअली में करती क्या है? तो आपको पता होगा ये वेन्स है तो मतलब क्या, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे बॉडी में भी वेन्स होते हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, हमारे बॉडी में जो वेन्स होते हैं वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। वैसे यहाँ पे लीव्स में जो वेन्स होती है वो एक तरह से कंडक्शन का काम करती है, यानी एक चीज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम जो है, कंडक्शन का काम जो है ये वेन्स करती है। तो यहाँ पे भी जो वेन्स है वो वही काम करती है जो ह्यूमंस में जो वेन्स होती है, जो नस होती है, काम करती है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंडक्शन। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो एक्चुअली में कौन सी ग्रुप से बिलोंग करती है? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फंगाई? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है, इसको लेके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो बताइए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक्चुअली में करती क्या है, मतलब किस ग्रुप से बिलोंग करती है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ये साइनोबैक्टीरिया होती है एक तरह से। ठीक है, ये पूरी तरह प्लांट नहीं बनी होती है और ये बैक्टीरिया प्लांट के बीच में होती है। तो ये जो इसकी कैटेगरी जो हो जाती है, वो कैटेगरी क्या होती है? वो होती है साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कौन से ग्रुप से है? तो साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा। ठीक है, यस, नीली नील हरित शैवाल जिसे बोलते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल जो होती है कि कौन से समूह से बिलोंग करती है? तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये इस ग्रुप से जो है बिलोंग करती है। नेक्स्ट चले आते हैं फ्लावरलेस प्लांट का टर्म डैश वो पेड़ जिनमें फूल जो है, पुष्प जो है नहीं होते हैं, वो किस उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लावरलेस प्लांट का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगाम्स। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगाम्स। तो क्रिप्टोगाम्स जो होती है ये है आपके फ्लावरलेस प्लांट, ठीक है। यस, तो क्रिप्टोगाम्स याद रखिएगा, क्रिप्टोगाम्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। कोमोसीड्स आर सीड्स विथ, जो कोमोस की जो बीज होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है? लॉन्ग हेयर्स होते हैं, विंग्स होती हैं, बेसल्स होती हैं या हुक होती हैं? तो ये बताइएगा कि कोमोस सीड जो होती है होती क्या है? तो अगर हम बात करें तो कोमोस सीड्स जो होती है ये लॉन्ग हेयर्स, ठीक है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग हेयर्स। तो कोमोस सीड्स जो होती है इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली में होता है क्या, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, इसके विंग्स वगैरह नहीं होती, क्योंकि सीड की टाइप होती है, विंग सीड होती है। तो ये जो है आपका लॉन्ग हेयर सीड्स होती है। यस, तो याद रखिए कोमोस सीड्स जो होती है वो लॉन्ग हेयर सीड्स होती है। बोन्स आर न्यूमेटिक इन, तो बोन्स जो होती है हड्डियों में वायवीय होती है, किसकी? तो फिशेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की या बर्ड्स की? तो किसकी हड्डियों में, ये आपको बताना है। तो न्यूमेटिक अगर हम बात करें तो न्यूमेटिक एक्चुअली में होता क्या है, ये वो होता है कि जिसमें एयर स्पेस होते हैं, यानी कि बोन्स में जो होती है हवा है ना, यस, वो भरी रहती है। एयर स्पेस का मतलब होता है कि वो हड्डियाँ क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की हड्डियाँ किसको चाहिए, बर्ड्स को चाहिए, उनको उड़ने के लिए चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स में जो न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो बोन्स है वो हेल्प करते हैं किसमें, ये बोन्स हेल्प करते हैं इनको फ्लाई करने में, यानी कि बॉडी लाइट रहती है इस वजह से, इन बोन्स के कारण, और इसी वजह से जो है ये इजीली फ्लाई भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है कि बोन्स विथ एयर सैक, ठीक है। यस, द हीट ट्रीटमेंट applied to milk before distribution to stabilize and to remove disease causing bacteria is called as। तो दूध का अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताइएगा हीट ट्रीटमेंट जो अप्लाई किया जाता है, हम बोलते हैं ना दूध को गर्म करना चाहिए, नहीं गर्म करने से क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वो एक होता है टाइम पीरियड होता है 30 से 35 मिनट के लिए, उसको गर्म करना चाहिए, मतलब हल्के आंच पे, मतलब आपका टेम्परेचर होना चाहिए 63 to 66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 से 35 मिनट तक उसको बॉईल करना चाहिए। ये होता है, ये प्रोसेस कहलाता है पास्चराइजेशन। यस, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, पास्चराइजेशन। ये पास्चराइजेशन प्रोसेस जो है ये हेल्प करता है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया जो होती है वो रिमूव होती है, बैक्टीरिया जो होती है वो मरती है। तो बिल्कुल, तो पास्चराइजेशन याद रखिए। लुइस पास्चर जो है उन्होंने इस प्रोसेस को की खोज की थी, और उन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का नाम पड़ गया है पास्चराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्लबर। अगर हम बात करें तो ये ब्लबर एक्चुअली में है क्या? तो ब्लबर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज सुना होगा आपने, तो अगर हम ब्लबर का बात करें तो ब्लबर एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है आपका लेयर ऑफ थिक फैट, ठीक है। यस, तो ये क्या होता है, मोटी वसा की परत होती है, यानी फैट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेनली होता कहाँ पे, शार्क, व्हेल्स जो होती है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, इनमें ये फैट का जो लेयर है ब्लबर, वो फैट के लेयर को जो है वो ब्लबर बोला जाता है, ठीक है। तो यस, ब्लबर प्रेजेंट होता है वहां पे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेयर ऑफ थिक फैट। नेक्स्ट चले आते हैं, कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कॉकरोच जो है पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी, जैसे अगर हम बात करें फिशेस की तो फिश पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, पानी के बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है, वो गिल्स होता है, और जो कि बाहर, पानी के बाहर काम नहीं करता है। तो वैसे ही कॉकरोच पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? कि कॉकरोच का, इसका मतलब है क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है कि कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। आपसे क्वेश्चन जो है बस सीधा सा घुमा के पूछा जा रहा है कि कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है। तो कॉकरोच का याद रखिएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रैकिया। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद रखिएगा ट्रैकिया। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ही लेके पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रैकिया, ठीक है। तो अब हमको ये बताइए कि इनमें से एग लेइंग एनिमल, अंडे देने वाली मैमल कौन सा है? बैट है, लीफी एंट ईटर है, वेल है या स्पाइनी एंट ईटर है? तो अंडा देने वाला, यस, तो ये बताइए हमको कि एग लेइंग मैमल कौन सा है? एग लेइंग मैमल जो है वो कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर पे स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है। स्पाइनी एंट ईटर क्यों, क्या होते हैं आपके, अगर आपने देखा होगा कि ये एक तरह का आपका एंट ईटर जो होते हैं, तो इसमें जो है आपका स्पाइनी एंट ईटर जो है ये एग लेइंग मैमल है, ठीक है। इसका अगर आप एंट ईटर सर्च मारोगे तो आपको इसका पिक दिख जाएगा। स्पाइनी एंट ईटर जो है, स्पाइनी एंट ईटर जो है ये आपका हो जाता है क्या, एग लेइंग मैमल होता है। ये वो मैमल है जो अंडे देते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैमल्स अंडे नहीं देते हैं, तो ये जो मैमल है वो क्या होता है, अंडे देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल, तो इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स नॉर्मली एव्स और मैमल्स, मैमल्स यानी हम लोग, एव्स मतलब बर्ड्स, ये लोग जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो आंसर हो जाएगा वेल। ये क्या होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन करते, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट जो है बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है ये लोग मेंटेन करते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं, हाइबरनेशन होता है, एस्टिवेशन होता है, तो इन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं ये लोग बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे हम लोग हर टेम्परेचर में रह सकते हैं, हम बॉडी के टेम्परेचर एडजस्ट करके, है ना, बिल्कुल। सीरिंग्स जो है ये किसका वॉइस बॉक्स है? अगर हम लोग अपना बात करें तो लैरिंक्स है, तो वैसे ही आपको बताया ना जो सीरिंग्स है ये किसका वॉइस बॉक्स होता है? तो सीरिंग्स जो होते हैं ये बर्ड्स के वॉइस बॉक्स। हम लोग मैमल्स है तो ऑब्वियसली हम लोग का लैरिंक्स हो जाता है, बर्ड्स का जो वॉइस बॉक्स होता है जिससे वो बोलते हैं वो क्या होता है, वो होता है सिरिंग्स, ठीक है। सिरिंग्स जो है ये बर्ड्स का वॉइस बॉक्स है, बिल्कुल। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, सबसे बड़ा बर्ड अर्थ पे रहने वाला कौन सा है? तो ये तो सबसे बहुत बार पूछा जा चुका है और ये बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा वो बर्ड आपको पता होगा ऑस्ट्रिच है, यस। तो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड जो है अर्थ पे रहने वाला वो कौन सा है? वो है आपका ऑस्ट्रिच, बिल्कुल, यस, करेक्ट, यस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यस। चलिए आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटा बर्ड का अगर बात करें, सबसे छोटी पक्षी का अगर हम बात करें तो वो कौन है? तो सबसे छोटा बर्ड का अगर हम बात करें तो बताइए वो कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटा बर्ड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बर्ड, सबसे छोटा बर्ड, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी सी बर्ड होती है, कलरफुल बर्ड होती है, यस। तो हमिंग बर्ड जो होता है ये आपका आंसर हो जाएगा, यस। विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कौन सा पार्ट होगा जो कि हाथी के दांत के रूप में बढ़ता है? तो हमने पढ़ा था, यस, सेकेंड इंसिजर, है ना, यस। विच अमंग द फॉलोइंग द लार्जेस्ट मैमल, लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? एलिफेंट, वेल, डायनासोर एंड राइनोसोरस। तो लार्जेस्ट एनिमल बताइए कौन सा है? एनिमल मीन्स मैमल, यहाँ पे मैमल्स में सबसे लार्जेस्ट मैमल पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा अगर मैमल पूछा जाए तो आंसर याद रखिएगा, यस। तो आंसर याद रखिएगा, जब सबसे बड़ा मैमल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा वेल, ठीक है। वेल जो है वो सबसे बड़ा मैमल है, वेल भी आपका एक तरह का मैमल है। द ओनली बर्ड दैट फ्लाइज बैकवर्ड, मतलब उल्टा उड़ सकती है, कौन है? एक आके एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वो कौन है? तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमिंग बर्ड। यस, ऑप्शन नंबर डी। तो हमिंग बर्ड जो है ये जो है आपका बैकवर्ड भी उड़ सकते हैं बिल्कुल। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉड, कॉड क्या है? ये नाम से अगर कुछ सोचोगे तो याद आ जाएगा। ये कॉड जो है ये एक्चुअली में है क्या? कॉड इज अ वैरायटी किसकी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने पढ़ा होगा कॉड लिवर ऑयल फिश, है ना? तो यस बिल्कुल ये लोग खाते हैं। तो यस ये हो गया आपका फिश। कॉड जो है किसकी वैरायटी है? फिश की वैरायटी है बिल्कुल। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आज शाम को 6 बजे, ठीक है? अनअकैडमी ऐप पे जरूर क्लास कीजिएगा। आज हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अनअकैडमी ऐप पे शाम को 6 बजे 6 PM पे बिल्कुल अटेंड कीजिएगा क्लास। यस, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आओगे उतना मजा आएगा। और वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए शाम को 6 बजे 6 PM। और जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन जो है ले लीजिए। और वहाँ पे आप कोड यूज करेंगे SHIPRA, इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और आप टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम इससे भी जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यस, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। यस, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। इसीलिए तो चलिए मिलते हैं शाम को 6 बजे अनअकैडमी ऐप पे। और सब्सक्रिप्शन प्लस क्लास का जरूर लीजिएगा और जितना जल्दी, क्योंकि 27 को आपके एग्जाम है। और जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे वो ट्राई कीजिए 1 ईयर 2 ईयर का ले। 1 मंथ 2 मंथ लेके कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी इस बार के बीपीएससी देने के बाद नेक्स्ट ईयर फिर से बीपीएससी तो देना ही है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बीपीएससी दे के बैठेंगे। तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है, सारे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट बीपीएससी भी तो दोगे, तो अभी से प्रिपरेशन कीजिए नेक्स्ट बीपीएससी के लिए भी। तो 1 ईयर लेने से आपका प्राइस भी कम लगेगा और साथ ही साथ आपका जो है एक जगह आप फिक्स हो जाओगे प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल आप इधर उधर नहीं भटकोगे बार बार। फ्री क्लासेस में क्या होता है कि कुछ आते हैं नहीं आते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती है बिल्कुल। तो आप क्लासेस जो आपकी रेगुलर होंगी डेली होंगी 9 बजे, तो इसको जरूर अटेंड कीजिएगा सभी लोग, ठीक है? यस बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 6 बजे अनअकैडमी ऐप पे। ओके, थैंक यू सो मच।